दिखा रहे तस्वीरों में देखेगा किस तरीके से ये माहौल देखने को मिला। भीषण ये आग की चपेट में आ गई है और अफरा तफरी का माहौल भी आप देख सकते हैं। रास्ते पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कूद कर अपनी जान बचाई है परिवार के सदस्य ने। अग्निशमन विभाग भी मौके पर पहुंचा और उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंचती, ये गाड़ी जो है वो जलकर खाक हो गई है। धुएं की लपटें और जलते अंगारे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कितना भयंकर यह हादसा हो सकता था, लेकिन किसी तरीके से ड्राइवर ने समझदारी दिखाई, गाड़ी साइड में लगाई और कूद गया वो, और परिवार के जितने भी सदस्य थे वो भी फौरन कूद गए, जिस वजह से उनकी जान बच गई। तो पानीपत से जींद की तरफ ये गाड़ी जा रही थी, लेकिन अचानक इसमें आग लग गई। तो पानीपत में भीषण आग लगी है, लेकिन गनीमत रही इस पर किसी की जान नहीं गई है। और पानीपत की तस्वीरें आप देखिएगा, पानीपत से जींद की तरफ ये गाड़ी जा रही थी। छोटी गाड़ी है ये, लेकिन अफरा तफरी का माहौल भी यहाँ पर देखने को मिला है। पानीपत से उतले उतला क्रॉस होते राधा संगर क्या कह जी, गाड़ी में धुआं उठा जी, धुआं उठते मैंने सोचा भी क्या पता क्या दिक्कत हुई, मुझे गाड़ी मैंने साइड में लगाई तो जी मैंने खोला बम्पर, मुझे आग लग गई गाड़ी में अचानक जी। तो मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया जी, मतलब थाने में फोन किया जी, तो आस पास लोग जमा हो गए जी। मैं थर्मल की साइड से आ रहा था, रोड पर गाड़ी चलती गाड़ी में आग लग गई और आग एकदम से इतनी बढ़ गई कि ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई। और इतनी गर्मी में गाड़ी में आग लगना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, तो लोगों को कहीं ना कहीं गर्मियों में गाड़ी में